Hi friends, this is Prickly here and I welcome you to my YouTube channel. Prickly Pradeepan's friends, right now we all are in lockdown especially and we all might be feeling very bored because of this lockdown. So friends, I thought to make ice cream today, means we all love ice cream, but I also love ice cream. So I thought to make ice cream today and you all can try it. It's the easiest method to make ice cream. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम किस तरह से आइसक्रीम बनानी है आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, आप सब ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मतलब मैं डिटेली बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी हाउ टू मेक आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स, टू मेक आइसक्रीम वी नीड फोर थिंग्स। वन इज वेनीला एसेंस, आटा पाउडर, शुगर एंड मिल्क। एंड दिस आटा पाउडर वी वांट टू टेक वन स्मॉल स्पून। फ्रेंड्स, यू हैव टू मिक्स दिस आटा पाउडर विद दिस मिल्क एंड ऑल्सो शुगर एज मच यू नीड। हियर आई हैव यूज 7 स्पून शुगर। इफ यू वॉन्ट लेस मीन्स यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू दैट, दैट इज नॉट एन इश्यू। एंड यू हैव टू मिक्स इट, आई टेल यू। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बॉयल इट एंड यू हैव टू स्टर इट कंटिन्यूसली टिल इट गेट थिकर। एंड वंस इट गेट थिकर मीन्स आई विल शो यू वॉट टू डू। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग स्टैरिंग करते टाइम ऐसे ऊपर आएगा, इसको हिलाते ही रहना है, हिलाते ही रहना है। ये अभी मतलब थिक होएगा इसमें, तो इसको हिलाता ही रहना पूरा टाइम। सो फ्रेंड्स, नाउ इट गॉट थिकर, यू कैन सी इट गॉट थिकर। तो ये मतलब थिक हो गया फ्रेंड्स। अभी हमें इसे मतलब वार्म होने के लिए, फ्रेंड्स नाउ इट विल बी इन दिस फॉर्म एंड वी वांट टू मिक्स इट इन मिक्सर। राइट नाउ हम लोग ये मिक्सी में मिक्स करने वाले। इससे पहले आपको वैनिला एसेंस इसमें डालना है, 2 ड्रॉप। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। सो नाउ यू वांट टू मिक्स इट कम्प्लीटली। फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ मिक्सर में, तो चलो। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसे वी हैव टू प्लेस दिस थिंग इन फ्रीजर। इसमें डालने के बाद सीधा फ्रीजर में डालना है हमें। आई एम गोइंग टू प्लेस दिस इन फ्रीजर एंड वी हैव टू टेक ओनली बाय टुमारो, नॉट बिफोर दैट। वी कांट टेक इट राइट नाउ, तो हम लोग कल ही ले सकते। फ्रेंड, दिस इज द आइसक्रीम व्हाट आई हैड प्लेस्ड एस्टेड इन फ्रीजर एंड आई थिंक आई हैड प्लेस्ड इट at 9 PM. So friends, you have to place this ice cream in freezer for 12 to 15 hours. So only I said you can take it by tomorrow. So friends, ये ice cream अच्छे से बना है, आप लोग देख सकते हो। ये ice cream बहुत अच्छे से बना है, इसका taste मैंने किया है, बहुत अच्छा आ रहा है। बस आपको ये 10 to 15 hours freezer में रखना है, और ऐसा फ्रीज़र का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो भी आपको टाइम मतलब जल्दी चाहिए रहे तो ऐसे कर सकते, पर नॉर्मली आप 10 टू 15 आवर्स रख लीजिए आइसक्रीम फ्रीज़र में। तो फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम टेस्ट कीजिए फ्रेंड्स, और कुछ डाउट होएगा तो कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।